आज हम लोग प्रायोरिटी पढ़ेंगे। प्रायोरिटी में हम लोग केसी सेना का जितना भी सॉल्यूशंस है वो सब समझेंगे। उससे पहले कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, जिसमें कंडीशनल प्रायोरिटी फर्स्ट टॉपिक है। कंडीशनल प्रायोरिटी में क्या है, देखिए। द प्रायोरिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए गिवेन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑक्यूर्ड इज नॉन एट कंडीशनल प्रायोरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान ले कि कंडीशनल प्रायोरिटी मतलब होता क्या है। कंडीशनल प्रायोरिटी इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि कंडीशनल अप्लाइड। जैसे कि यहाँ मतलब एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। जैसे कि देखिए, अगर एक इवेंट दिया हुआ है और दूसरा इवेंट हमको निकालना है, तो उसको ही हम लोग कंडीशनल प्रायोरिटी बोलते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पी ए बाई बी। इसका मतलब क्या होता है कि इवेंट ए का हमको प्रायोरिटी निकालना है जब जिसमें बी दे दिया जा चुका है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ बी, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी या पी बाई पी बी होता है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो हम लोग सभी को जानते ही हैं कि अगर दो इवेंट्स है तो इंडिपेंडेंट तभी होगा जब एक का ऑक्यूरेंस जो है या नॉन ऑक्यूरेंस जो है दूसरे से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखते हैं। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द इवेंट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ हेड इन द फर्स्ट थ्रो एंड द ऑक्यूरेंस ऑफ हेड इन द सेकेंड थ्रो आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जैसे कि हम लोग अगर एक कॉइन फेंकते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं, तो क्या पहले बार में हेड आता है? तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरे बार में हेड आएगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखते हैं, देखिए। पहला है कि यहाँ पे नोट करने वाला बात है, ए अगर ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ए बाई बी इक्वल्स पी ए होगा। ये कैसे होगा? जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे अगर पी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है तो सबसे बड़ा केस आता है कि अगर हम लोगों को कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करना रहता है, शो करना रहता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो क्या करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पे ये वाला बोल रहा हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स पी ए इंटू पी वी होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स पी ए इंटू पी वी, तो पी बी पी वी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या हम लोगों का, सॉरी पी ए इंटू पी वी होता तो पी बी पी वी कैंसिल हो जाता, अगर पी ए इंटू पी वी होता तो, ठीक है। यहाँ पे एक और नोट है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होगा, ए ए बार एंड बी बार या ए डैश एंड बी डैश। ए डैश और बी डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब जैसे कि अगर पी ए की एक प्रायोरिटी है ए इवेंट का, तो पी ए बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए होता है। तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है ए बार और बी बार दोनों इंडिपेंडेंट होगा, ए बार और बी दोनों और ए एंड बी बार सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। बाकी बात फार्मूला बुक में दिया रहता है, या फिर हम बता ही जब जरूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड द इवेंट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ टेल ऑन वन एंड द इवेंट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ हेड ऑन द अदर आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो एक पहला इवेंट क्या है दिया हुआ कि किसी एक पे टेल आना चाहिए, और दूसरा इवेंट क्या है कि एक पे हेड आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग उसमें दो इवेंट्स हैं, ए और बी, इवेंट्स मान लिए कि इवेंट ऑफ हेड ऑन वन कॉइन और बी है इवेंट ऑफ टेल ऑन अनदर कॉइन। तो ए क्या हो जाएगा, एच और टी, मतलब फर्स्ट पे हेड आए, या फिर एच और एच यानी फर्स्ट पे हेड आए और सेकेंड पे कुछ भी आए, तो सेकेंड पे टेल आया हेड आया, दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो इवेंट एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2। और बी क्या है कि टेल ऑन अनदर कॉइन, टेल सेकेंड पे है और हेड और टेल फर्स्ट पे, मतलब कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस तरह से क्या है, हम लोग को दो दो मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए भी 2 आया और नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ बी भी 2 आया। और इस तरह से देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, देखिए दोनों मिला के तो ए हेड और टेल मिल रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से अब हम जब कॉइन टॉस करते हैं दो कॉइन्स को, तो कितना उसका नंबर ऑफ मतलब सैंपल स्पेस होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पी ए पी ए एन ए एन एस हो जाएगा, इससे 1/2 आया, पी बी वन बाई उसी प्रकार 1/2 आया। तो हम लोग को निकालना है क्या कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ताकि मतलब जब हम लोग को प्रूव करना रहता है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो क्या करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स पी ए इंटू पी बी प्रूव करते हैं।
तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि यहाँ पे है, और बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जैसा कि हम बताए हैं वहां पे। या फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया हम लोग को, यहाँ पे 1 आया है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हम लोग यहाँ पे निकालना ही है 4 होगा, तो 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1/2 जो कि पी ए इंटू पी बी करा रहा है। इसका मतलब क्या, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वाइन को 3 बार उछाला जाता है, एक क्वाइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड ऑल 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वाइन को हम 3 बार उछालते हैं, तो एक क्वाइन को उछालते हैं तो उसका क्या होता है सैंपल स्पेस, क्या क्या आने की मतलब चांसेस रहते हैं, तो हेड और टेल आते हैं। तो एक क्वाइन को 3 बार उछालेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे, 8, जो कि यहाँ पे दे ही दिया हुआ है। सारे के सारे इक्वली लाइकली है, मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 1/8 होगा। तो हम लोग को पता करना है कि कौन सा इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट में दिया हुआ है ई, मतलब ई है एक इवेंट जो कि नंबर ऑफ टेल्स इज 2, और एफ जो है द लास्ट रिजल्ट्स इन टेल। तो देखते हैं इसको।